हम एक्चुअली कलाम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा गीत गाना चाहते हैं, देन वी विल स्टार्ट प्रीचिंग। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बरकत दे बरकत दे यीशु, बरकत दे बरकत दे बरकत दे, तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है। हालेलुया हालेलुया, तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं, उम्मीद लाए हैं, हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे बरकत दे बरकत दे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह में सबको एक दफा फिर सलाम, आप सब पे मसीह की बड़ी सलामती हो। तो आज जिस तरह हमारा टॉपिक है, जिस तरह से हमने अभी गीत भी गाया, बरकत दे यीशु बरकत दे, हम देखेंगे आज के एक बड़ा प्रैक्टिकल मौजू है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं लानतों और बरकतों के हवाले से, कि किस तरह से हम बरकतें हासिल करते हैं और किस तरह से हम जो कि लानतों में घिर जाते हैं। हम अजीजों दो तरह के देखे कलाम होता है, एक तो या तो बरकत है या लानत है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बीच वाली तो बात ही कोई नहीं है। जिस तरह खुदा करूँ खुदा हमें अपने कलाम में कहता है कि या तो गर्म हो जाओ या सर्द हो जाओ, नीम गर्म खुदा को लोग बंदे पसंद नहीं है। तो या तो बरकत है या फिर लानत है। तो अगर अगर बरकत है तो हम बड़ी खुशी से कलाम को सुनते हैं, उसको बड़ा पसंद भी करते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर नहीं करते कि लानतों के हवाले से हम सीखें कि वो हमारे ऊपर लानतें किस तरह आती हैं और हम किस तरह अपने आप को लानतों में घेर लेते हैं, या कि लानतें किस तरह से हमारा पीछा करती हैं। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। इस सवाल से खुदा का कलाम हम देखेंगे आज, हम इल्हाम की किताब में देखेंगे कि हम सब की ये ख्वाहिश तो होती है कि हमें बरकतें मिलें, लेकिन हम अपनी बरकतों को रिसीव करने में हम खुद ही रुकावट बन जाते हैं। हम अपने मुंह से इस तरह के अल्फाज निकालते हैं कि हमारी बरकतें जो है रुक जाती हैं, लेकिन हम खुदा के आगे देखते या सोचते हैं कि हम लोग हमारी बरकतें किस वजह से रुकी हैं। हम दुआ भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, तो बरकतें हमें क्यों नहीं मिल रही। तो अगर हम किसी कर्ज के अंदर हैं तो हम देखेंगे कि हम उस कर्ज से किस तरह निकल सकते हैं और हम किस तरह बाबरकत हो सकते हैं। अजीजो बुनियादी तौर पर तीन तरह की लानतें होती हैं जिनको हम कर्ज कह सकते हैं। उनमें से एक जो है वो नस्ली लानतें हैं, जनरेशनल कर्ज, एक जो खुद साख्ता हमारे खुद का बोला हुआ जो होता है जिसको हम सेल्फ इम्पोज कर्ज बोल सकते हैं इंग्लिश में, और एक वो लानत है जो दूसरे हमारे लिए कर देते हैं, कि मतलब बगैर किसी वजह की। हम कभी आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द लोगों को, जैसे आपके गली मोहल्ले में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब सब कुछ कर रहे होते हैं, बड़ी स्ट्रगल कर, बड़े मेहनती भी होते हैं, लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों उस तरह से कामयाबी उनको नहीं मिलती जिस तरह से वो उसको डिजर्व करते हैं, या जिस तरह से वो उसके पीछे वो काम करते हैं उस तरह से उनको कामयाबी नहीं मिलती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पे हम आज गौर करेंगे। यही यही सीखने के लिए आज हम बैठे हैं।
कि खुदा का कलाम हमें इस बारे में क्या कहता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि सब कुछ हमारी जिंदगियों में ठीक चल रहा होता है, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हम जहाँ पे जॉब करते हैं उस जगह पर भी हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है हमारी जिंदगियों में, लेकिन सब कुछ हमारी जिंदगियों में ठीक चल रहा होता है, हमें बहुत सारे अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग भी नजर आते हैं जो रेगुलर चर्च जाते हैं, रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन समटाइम हमारी जिंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है कि जब हम अपनी कामयाबी के करीब होते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास होते हैं, तो हमें एकदम से नाकामी मिल जाती है, जिसकी वजह से हम डिसहार्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि आज बरकतें और लानतें हमारी जिंदगी में कैसे काम करती हैं। देखें, कलाम कोई भी है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दोनों ही अपने अंदर ताकत रखता है, क्योंकि कलाम तो मुंह से निकली हुई बात को कलाम बोला जाता है। कलाम सिर्फ ये ही नहीं है, वो तो बाइबल को ही कलाम बोला जाता है। कलाम जो हम मुंह से बात करते हैं उसको कलाम बोला जाता है। तो वो चाहे कलाम इलाही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही अपने अंदर ताकतें रखते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो सबसे बड़ा शैतान है, जो इस दुनिया का बादशाह है इस टाइम पे, लूसीफर, वो जब हेवन में था तो खुदा का बड़ा प्रस्तार था, खुदा की बड़ी प्रस्तिश करने वाला था, खुदा की जो मतलब आसमानी कवायद थी उसका वो लीडर था। तो उसको खुदा उस वक्त वो बरकतें दे चुका था, उस वक्त वो एक अनॉइंटेड पर्सन था, लेकिन वो बरकतें जो उसको मिली वो आज तक भी उसके पास है, क्योंकि खुदा ने जो एक दफा कलाम सादर कर दिया, खुदा की जुबान से एक दफा जो कलाम सादर हो गया, जो एक दफा बोल दिया, जो बरकत एक दफा दे दी, वो नस्ल दर नस्ल आपके साथ चलेगी। अब उसके बाद आप उस बरकत को उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, वो एक अगली चीज है। तो हमें ईमानदार होने के नाते हमें अपने बोलते वक्त हमें अपने अल्फाजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी जिस तरह से हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं हमें उसका बहुत ख्याल करना चाहिए। खासतौर से अपने घर में जो उठते बैठते हुए हम जो बात करते हैं, वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने अंदर एनर्जी रखता है। अब तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि ये जो हम बोलते हैं ये साउंड एनर्जी है, ये अपने अंदर ताकत रखती है। और जो पास्टर साहबान जो खुदा के लोग स्पिरिचुअल रैम में बोलते हैं, वो एक सुपर नेचुरल एनर्जी होती है जो खुदा के लोगों को खुदा की तरफ से मिलती है। तो एट द एंड ऑफ द डे बताने का सब ये सब बात करने का मकसद ये है कि कलाम चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो अपने अंदर असर रखता है, वो अपने अंदर असर रखता है। तो शैतान को जो लोग पूछते हैं, जो शैतान को पूछने वाले लोग हैं, उनकी जो नेगेटिव बातें होती हैं वो भी अपने अंदर असर रखती हैं, और जो मसीह के ममसू लोग हैं उनकी जो पॉजिटिव बातें होती हैं वो भी अपने अंदर असर रखती हैं। तो लूसीफर के बारे में जैसे हमने देखा है कि वो खुदा का प्रस्तार था, लेकिन वो फिर गुनाह में आने की वजह से खुदा वो जन्नत से निकाल दिया गया, उसको वो लानत के खुदा की तरफ से खुदा ने खुद उसको लानत की। उसके बाद देखें, लेकिन बावजूद इसके भी जो उसकी बरकतें थी वो उसके साथ आज भी हैं, तो उसकी वजह से वो भी अपने अंदर मस्सा रखता है। तो जो मस्सा वो अपने अंदर रखता है, उसकी कुदरत से अगर शैतान के जो परस्तार लोग हैं, उसके जो मानने वाले लोग हैं, अगर वो अपने मुंह से कोई बात बोलते हैं तो वो भी अपने अंदर ताकत रखते हैं, क्योंकि वो शैतान भी अपने अंदर एक मस्सा रखता है। सो कहने का मकसद ये है कि हमें ईमानदार होने के नाते हमें अपने कलाम को अपने मुंह से निकली हुई बात निकालने से पहले बड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जो भी शख्स किसी लानत में से गुजर रहा होता है, तो अगर वो इस चीज को रियलाइज करे तो वो जान सकता है कि ये लानत हमारी जिंदगी में इसका क्या सोर्स है। हमें हर टाइम अपने मुंह से निकले अल्फाजों को बहुत सोच समझ कर बोलना है। हमारी जिंदगी में ये जो वर्ड है, जो अल्फाज हम बोलते हैं, ये एक सुपर नेचुरल पावर देते हैं।
चाहे हम खुदा के, जब हम खुदा के करीब आ जाते हैं तो उस वक्त हमारी जिंदगियों में ये जो अल्फाज हैं जो हम बोलते हैं, जो रूटीन में हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बोलते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है कि हमारे मुंह से निकली हुई हर बात में असर होता है, पावर होती है, एनर्जी होती है, और वो किसी भी टाइम पर पूरी हो सकती है। हम बोलते हुए इस बात का, किसी भी बरकत या लानत को उस टाइम पे हम फील नहीं करते कि हमने क्या बोल दिया है, लेकिन वो हमारी जिंदगियों में असर करती है, चाहे वो आज करे, चाहे वो कल करे, चाहे वो 50 साल के बाद करे। इधर हम एक हवाला देखेंगे, पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और उसकी 16 से 18 आयत तक। खुदावन फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता बेटा है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुन्दर के किनारों की रेत की मानिंद कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मानिंद होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सबकों में बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। ये नस्ली बरकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल, खुदा डायरेक्ट ये बरकत, ये जो कलाम है, खुदा डायरेक्ट इब्राहिम से कर रहा है। और इब्राहिम आज देख ले, दुनिया में तीन जो बड़े अध्यान है या मजाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी है, यहूदियत है और मुस्लिम है, सब उसको अपना जद अमजद मानते हैं कि ये तुम्हारा बाप है। तो ये उसको दी हुई जो बरकतें हैं वो आज तक इन तीनों को अकवाम के साथ चल रही हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो नजात है वो इसराइल से निकली और हमें ये नजर भी आती है, यहूदियों से आया नजात का कलाम जो हमारे तक पहुंचा। और ये जो नस्ली बरकतें खुदा ने इब्राहिम को दी वो आज तक इंसानियत जो खुदा के पैरोकार हैं, जो उसके पीछे चलते हैं रूह सच्चाई के साथ, उनको खुदा उन्हीं बरकतों से नवाजता है। हम आगे जाके देखेंगे इसके हवाले से, हवाला भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से खुदा अपने लोगों को बहाल भी करता है और किस तरह से हम खुदा की बरकतों से फायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह हमने ये नस्ली बरकत देखी, उसी तरह से हमें एक चलते चलते एक छोटा सा हवाला ये भी देखते हैं कि नस्ली लानत कैसे होती है, इन जनरेशनल जो कर्स है उसकी क्या बुनियाद है और उसका सोर्स कहाँ से है बेसिकली। तो जिस तरह इब्राहिम को खुदा ने बरकत दी और उसी की नस्ल में से इस्माइल भी पैदा हुआ, तो इस्माइल को खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका हाथ सबके खिलाफ और सबका हाथ उसके खिलाफ होगा, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ बसा रहेगा और उससे आगे हम जानते हैं कि कौन सी नस्ल है। इसके बारे में मैं मजीद ज्यादा कोई रोशनी नहीं डालना चाहता क्योंकि हम सबको पता है कि वो नस्ल उनके कितने ममालिक हैं पूरी दुनिया में, और 50 से ज्यादा ममालिक, और वो हर टाइम हर रोज वो इसराइल पे कर्ज करते रहते हैं। लेकिन आप देखें उनको कि उनमें से कोई भी मुल्क जो है वो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं वो, उनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, दौलत भी है और न जाने क्या क्या है, लेकिन उनके पास जो खुदा की अनॉइंटिंग है वो नहीं है, उनके पास अमन नहीं है, उनके पास सुकून नहीं है, उनके पास इत्मीनान नहीं है, क्योंकि उनके पास खुदा की बरकत नहीं है। और उस बरकत ना होने की वजह ये है क्योंकि वो इसराइल पर कर्ज करते रहते हैं, और खुदा ने अपने कलाम में लिखा है कि जो तुझ पे बरकत देगा मैं भी उसको बरकत दूंगा और जो तुझे लानत करेगा मैं भी उस पर लानत करूंगा। तो खुदावन का कलाम जो कल था, जो आज है और जो अब तक रहेगा, उसने जो बरकत एक दफा उसके मुंह से जो बरकत सादर हो गई वो रहती दुनिया तक रहेगी। हालेलुया, वो रहती दुनिया तक रहेगी। हालेलुया। हम देखते हैं कि इस मुमाल से ये जो गैर मजहब है ये क्यों यूरोप कंट्रीज की तरफ भागते हैं, यहाँ पर आकर इनकी बेटियों से, इनकी लड़कियों से शादी करते हैं, किस लिए? कि इनको पेपर्स मिल सके, इनको नेशनैलिटी मिल सके। ये आज तक परेशान है, इनके पास हर चीज है, दुनिया की दौलत है, इनके जरखाए हैं, पेट्रोल है इनके पास, बहुत बेशुमार इस तरह की मादियात हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमेशा यूरोप कंट्रीज पर इंहसार करते हैं। यही वजह है कि इनको ये लानत मिली है।
अभी जो अगला हम पॉइंट देखेंगे कि सेल्फ इम्पोज कर्स या अपने बिहेवियर की वजह से इंसान अपने ऊपर क्या क्या आफतें लेके आ सकता है, या उसको अपने बिहेवियर की वजह से किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे तृष्णा की किताब, उसका 27 बाब और उसकी 16 से 20 आयत तक। और खुदावंद के जिंदा कलाम में ही लिखा है, अपने खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, लानत उस पर जो अपने माँ अपने बाप या माँ को फकीर जाने और सब लोग कहें आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें कि ये सिर्फ अपने बिहेवियर की वजह से है, अभी उसने कुछ नहीं किया। अभी ये जो आजकल के जिस तरह यंग लोग हैं, यंग बच्चे हैं आजकल के, कि वो अपने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लिखने के बाद सोचते हैं कि ये साढ़े भी उनकी पता है यार, इन पता ही कुछ नहीं है, पता नहीं किस जमाने से जिंदा पे ये भी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने माँ बाप को, आपको पता ही नहीं है उन्होंने किस तरह की कुर्बानियां दी हैं आपको, आपको पढ़ाने के लिए, आपको इस काबिल बनाने के लिए। आज जो हैं आप इस तरह पैदा तो नहीं हुए, आप किसी उस घर में भी पैदा हो सकते थे जहाँ पे आपको हर एक चीज जबरदस्ती करवाई जाती है, हर एक चीज आप पे थोप दी जाती है कि यार आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना। लेकिन मसीहत में रास्तबाजी है, मसीह में चीजें थोपी नहीं जाती। मसीहत कोई मजहब नहीं है। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए इन चीजों को, कि अपने बिहेवियर से, अपनी उन चीजों से हमें ये शो करना चाहिए कि मसीह होने के नाते हमें हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। इसी तरह से अगली आयत में, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी कि इस आयत में देखें कि माँ बाप के हवाले से अभी बच्चों ने कुछ किया नहीं है, अभी उन्होंने बस सोचा है, तो खुदा ने उनको क्या किया है, खुदा ने उन पर लानत दी है। खुदा ने हमेशा, उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, उन्होंने अभी करने की कोई कोशिश नहीं की, बस अभी उन्होंने अपने दिल में और अपने जहन में अपने माँ बाप को क्या किया है, फकीर जाना। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, लानत उस पर जो अपने पड़ोसी की हद के निशान को हटाए और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अंधे को रास्ता से गुमराह करे और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो परदेसी और यतीम और बेवा के मुकदमा को बिगाड़े और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो अपने बाप की बीवी से मुबाशरत करे क्योंकि वो अपने बाप के दामन को बेपर्दा करता है और सब लोग कहें आमीन। आमीन आमीन। बिल्कुल, खुदा की जिंदा कलाम में हर एक चीज के लिए खुदा ने हर एक बंदे को उसकी काबिलियत के मुताबिक हक दिया, और इस तरह रिश्तों में भी पर्दे हैं, रिश्तों में भी हमें एक ग्रेंज से एक बॉर्डर है कि जिसमें हमें जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अपने जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए भी ख्याल रखना चाहिए। इसी बात को अगर हम आगे पढ़ते जाएं तो उसमें बहुत सारे खुदा ने वो चीजें उसमें अपने बंदा के वसीला से मेंशन करवाई हैं कि तुम्हें अगर तुम जिस्मानी ताल्लुकात, आजकल तो दुनिया में देखें लोग जानवरों के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात बना रहे हैं, खुदा माफ करे, और लोग नहीं देखते कि उनको क्या करना चाहिए। खुदा के लोगों, बचो इन चीजों से, क्योंकि खुदा का कलाम इसके लिए बड़े सख्त अल्फाज यूज करता है। क्या कहता है खुदा का कलाम, के खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे ये आफतें तुम्हारा पीछा करती रहेगी जब तक कि तू फना ना हो जाए, अगर तुम लोग इस बात पर अमल नहीं करते। तो इसी तरह से हमने ये देखा कि ये हमारा बिहेवियर है जिसकी वजह से हमें इस तरह की लानतों में खुद ही अपने आप को घेर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इम्पोज कर, अपने खुद से, खुद साख्ता चीजों से अपने लिए कमाया गया लानत। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लानतें दूसरे आपके लिए बोलते हैं, तो उनका उनका क्या सोर्स, तो किस तरह से वो वजूद में आती हैं, उसके लिए हम देखेंगे अलीशा का एक बड़ा मशहूर वाक्य है। और इसके लिए हम देखेंगे दूसरा सलातीन 5 बाब उसका उसकी 20-23 आयत तक। निकालिएगा
बीस से तेईस आए। लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के फादर जिहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। बिल्कुल, हम सब जानते हैं, हमने ये वाक्या बहुत दफा बाइबल में पढ़ा हुआ है कि अलीशा जो खुदा का एक अनॉइंटेड पर्सन था और जो नुमान कोड़ी था, उसने सुना कि अलीशा को खुदा ने बड़ी बरकत दी है, उसको कोड़ था, वो उसके पास आ गया कि मैं जाता हूँ उससे दुआ करवाता हूँ, मेरे से दुआ करेगा तो मुझे शिफा मिल जाएगी। वो उसके पास आ गया और वो अच्छा अमीर आदमी था, वो अपने साथ बहुत सारे तहाइफ लेके आया, बड़े पैसे लेके आया, बड़े कपड़े लेके आया कि मैं उसको उसकी इस शिफा के बदले में जो मेरे पे दुआ करेगा मैं उसके बदले में उसको दूंगा। लेकिन अलीशा जो खुदा का खादम था उसने उसको बाहर से भेज दिया, उसने बोला कि भाई तू 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 चला जा, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तू शिफा पाएगा तू चला जा, मुझे तेरे से कुछ नहीं, तेरे पैसे, तेरे तेरे कपड़े, तेरी चांदी मुझे नहीं चाहिए। हम अगर इस चीज को आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है, सो जहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख अंबिया जादों में से अभी दो जवान अफराइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा एक कंतार चांदी और दो जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। देखें, ये उसकी लालच है और इस लालच के बदले में आगे उसके साथ क्या होने वाला वो हम देखेंगे। देखें, अलीशा जो खुदा का बंदा था वो दुआ में ठहरा था, जब उसका खादम ये जिहादी उस नुमान कोड़ी के पीछे जाता है, उसको जाके बोलता है कि मुझे दो कतार चांदी और कपड़े देते, क्योंकि वो अंबिया ज़ादे आ गए हैं, उनको देना है। अलीशा तो भूल गया था उसने देने थे उसको, लेकिन उसने तुझे बोला नहीं, तो अभी वो क्या करता, वो नुमान कोड़ी जो उसको दे देता है, वो अपने वो जो तहाइफ उससे लेता है तो वो तहाइफ लेके जाके रख देता अपने घर में। घर में रखने के बाद जब वो उसके अलीशा के पास वापस जाता तो अलीशा उससे पूछता है कि भाई तू किधर गया था, अलीशा उससे पूछता है कि भाई तू किधर गया था, तो वो उसको बोलता है कि मैं तो कहीं नहीं, तेरा खादम कहाँ जाएगा। हम आगे अगर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि तेरा खादम कहाँ जाएगा। हम आगे 26-27 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है तेरा खादम कहाँ जाएगा। मैं पढ़ता नहीं वैसे उसको, आपको बताता हूँ, आप जरूर पढ़िएगा इसको, तेरा खादम कहाँ जाएगा, मैं तो इधर ही था। तो उसको अलीशा उसको बोलता है, क्या मैं तुझे जानता नहीं हूँ, या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था जब तू नुमान कोड़ी के पास गया उसे ये चीजें लेने के लिए। तो फिर वो उस पे कर्ज करता है, और कर्ज क्या करता है सुनिएगा जरा, कहता है 27 में लिखा हुआ है, इसलिए नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। तो ये है कर्ज स्पोकन बाय अदर्स, और उसने उसको नस्ली कर्ज उसके ऊपर बोल दिया कि खुदा माफ करे। इस तरह की लालच, इस तरह के एक्ट जब हम लोग करते हैं तो हमें उन चीजों से इस चीज का भी एहसास करना चाहिए कि इसके बदले खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, खुदा का कलाम हमें इसके बदले में क्या तंबीह करता है। हमें अजीजों इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर हम चार लोगों की हम मिसाल लेंगे ताकि हम जितने बहन भाई इस चीज को सुन रहे हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मिसाल लूंगी एक बाप की। बाप जो घर में होता है उसका इख्तियार सबसे आला होता है। माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल को कायम करते हैं। और माँ बाप के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम देखें कि हमारे 3 या 4 बच्चे हैं, तो हम लोग हमेशा अगर हमारे 2 बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, घर में उनका अच्छा बिहेव है, तो हम जो 2 छोटे बच्चे हैं अगर या बड़े हैं तो हम उनको बोलेंगे कि ऐ तो है ही अंजदा, इन्हें तो कभी ऐ करना ही नहीं है, ऐ नहीं है कर सकता। अगर वो 2 बच्चे अच्छा पढ़ के आए हैं, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, एग्जाम में फर्स्ट आए हैं, तो हम उन 2 बच्चों को कर्ज करेंगे। हमारे जो अल्फाज है वो कर्ज की सूरत में उनकी जिंदगी में काम करेंगे।
कि हम लोग उनको बोलेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसने ऐसे ही रहना है, तो वो उस चीज को वो अपने जहन में बिठा लेगा कि मेरे माँ बाप मुझे ऐसे बोल रहे हैं, जो मुझे जिनको मुझे अच्छा गाइड करना चाहिए। तो एक तो उसके दिल में माँ बाप के लिए थोड़ी ऐसे नफरत पैदा होगी जब वो देखेगा कि मेरे दूसरे बहन भाइयों के साथ मेरे माँ बाप का बिहेव किस तरह है और मेरे साथ किस तरह है। तो हमें हर टाइम ये सोच समझ कर अपने बच्चों के साथ बात करनी है कि हमने देखना है कि हमने उनको हमेशा पुश करना है, हमने उनको अप्रिशिएट करना है। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका इस टाइम रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम आपके साथ बैठ कर प्रेयर करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप भी अच्छा कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे की दिल आजारी होगी, हमारा बच्चा जो है उसको अप्रिशिएट उसको मिलेगी अप्रिसिएशन। आगे मैं आपको बताऊंगी कि शोवर जो होता है वो बीवी का सर होता है। और कलामे मुकद्दस में से हम देखेंगे इसके बारे में कि कलामे मुकद्दस में जो शोहर के हवाले से हमें जो जो शोहर जिस तरह के घर का सर है या बीवी का सर है, तो अगर वो बीवी की किसी बात पर कर्ज कर दे उसका क्या नतीजा निकल सकता है। हम देखते हैं मिसाल की किताब उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं, जो उसको दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हम बखूबी जानते हैं याकूब और लाबन का किस्सा, राहल जो याकूब की बीवी थी और याकूब 14 अपने मामू के घर जो उसका ससुर भी था, पहले 7 वो रहा उसकी जो उसकी जिससे वो प्यार करता था राहल के साथ, उसके साथ शादी करने के लिए पहले वो 7 रहा। तो उसके मामू ने दिल में लालच आई, उसने कहा नहीं भी तू 7 हो रहा है, तुझे इंद्र ने शादी करनी, 7 हो रहा है। पहले उसने उसकी शादी छोटी से करवा दी, फिर उसने कहा नहीं मैं तो इससे शादी करनी है, तो 7 हो। तो 14 उधर रहने के बाद जब वो वापिस जा रहा था अपने कबीले को वापिस जा रहा था, अपनी 2 बीवियां 2 हरमों और 10-12 बच्चों के साथ जब वापिस जा रहा था, तो क्या हुआ कि उसकी जो बीवी थी राहल वो तब प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बिन्यामिन था। तो उसने क्या किया, उसने अपने बाप के घर से लाबन के घर से उसने उसकी जो मूर्तियां थी, क्योंकि वो बुत प्रस्त था उसका जो बाप था, उसने उसकी मूर्तियां जो सोने के जेवरात थे वो सारे चुरा ली और अपने पास रख दिए। तो लेकिन उसको जब वो निकले तो उसको पता चल गया कि भाई ये तो मेरा जेवर उठा के लेके जा रहे हैं। तो उसने उसका पीछा किया, उनका पीछा किया और 3 पीछा करने के बाद उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया तो जाके उसने याकूब को बोला कि ये तूने क्या किया, तू तो मेरा जेवर उठा के ले आया, तू मेरे साथ इतने साल रहने के बावजूद तूने मुझे दगा दिया, क्या मैं तुझे तेरी तेरी उजरत नहीं दी, तेरे 14 काम की मैं तुझे उजरत नहीं दी, जो मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था या जो भी उनकी आपस में बात थी। उसने बोला कि मैंने तुझे उसके एवज तुझे जो तेरे साथ मेरा डन था मैंने तुझे दिया, तो तूने फिर ये हरकत क्यों की। याकूब को इस बात पर बड़ा कह रहा है कि गुस्सा आया कि भाई ये ऐसे क्यों मेरा मामू मेरे साथ बात कर रहा है, कि मैं वो तो खुदा का मतलब अनॉइंटेड पर्सन था, वो रास्तबाज बंदा था। तो हम इस जल्दी से एक आयत देखेंगे पैदाइशी की किताब उसका 31 बाग की 32 आयत में देखेंगे क्या लिखा है, वो अपनी बीवी पे किस तरह कर्ज करता है। देखते हैं हम पैदाइश की किताब में से 31 बाग उसकी 32 आयत में, जब याकूब को उसका मामू आके बोलता है कि भाई तूने ये क्यों किया, तो वो क्या कहता है उसको जवाब में, कहता है अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। और फिर उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये सब कुछ मेरी बीवी ने किया, मेरी बीवी ने वहां से माल और दौलत छुड़ाया, तो उसको नहीं पता था कि ये सब कुछ किसने किया, तो उसके साथ उसका क्या रिजल्ट निकला कि जब उसने बिन्यामीन को जन्म दिया तो वो क्या हुआ कि वो फोत हो गई, उसी टाइम पर उसकी जान जो है वो चली। उसकी वजह ये थी क्योंकि याकूब जो खुदा का मंसूर था, खुदा का चुना हुआ बंदा था, उसको खुदा ने बरकतें दी थी, जो इजहाक ने उसके लिए 7-fold ब्लेसिंग बोली थी उसमें, तो उसने उसको इतने इख्तियार दिए कि जब उसके मुंह से कोई बात निकलेगी
कोई कलाम सादर उसके मुंह से होगा तो वो सुपर नेचुरल पावर रखता है अपने अंदर, क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ बंदा था। और उसके बाद जो ये तीन मसाले होगी, इसमें शोहर का भी आ गया, और उसके बाद हम देखेंगे कि टीचर एक जो उस्ताद है, उस्ताद को हमें चाहिए कि हमें हमेशा खुश रखें, क्योंकि उससे हम सीखते हैं, और वो जो हमें सिखाता है उसी से हम आगे जाके काबिल बनते हैं, उसी से अगर हम बिजनेसमैन बनते हैं तो उसी से बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो उसी से बनते हैं, अगर मैं इतना कुछ शेफ बनेगा तो वो भी सीख के ही बनेगा, बगैर सीखे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर उस्ताद के मुंह से किसी के लिए कुछ गलत बात निकल जाए तो वो भी होके रहती है, क्योंकि उस्तादी जो है वो भी एक बरकत है और वो खुदा की बरकतों में से एक बरकत है। और इसी तरह से उसके बाद, क्योंकि वो अपनी क्लास है या अपना ग्रुप है, तो वो उसका एक लीडर होएगा, उस्ताद जो है वो लीडर है, इसीलिए लीडर जो है वो सर का काम करता है, वो दुम नहीं है। इसके बाद जो चौथी मिसाल है वो एक पास्टर की है, पादरी की है, जो पास्टर साहबान है वो कलीसिया के सर है, और वो हमारे लिए बड़ी इज्जत और एहतराम के काबिल है, तो हमें उनका इसी तरह से एहतराम करना चाहिए जिस तरह हमारे वालदैन है, क्योंकि हमने पहले जिस तरह पीछे पढ़ा कि अगर अगर आप वालदैन के लिए अगर दिल में कुछ ऐसा इरादा ही कर लोगे तो तुम्हारे लिए लानतें कन्फर्म है। और फिर देखें अगर अगर आप इस तरह से खुदा के कलाम को झुठलाते हैं तो फिर हमने पढ़ा आगे उसके बाद फिर कौन कौन सी लानतें आपका ताकुब करती रहती हैं पूरी जिंदगी। अगर खुदा सुपर नेचुरल पावर के साथ आपको ब्लेस करता है तो खुदा ने फिर आपको बहुत सारी लानतों के साथ भी भरपूर भर देना है अगर उसके कलाम को नहीं माना जाएगा। इसी वाले से हम देखते हैं कि यहूदियों ने अपने ऊपर जो अपने ऊपर उन्होंने जो खुद साख्ता जो नस्ली लानत ली वो कैसे ली, कि क्योंकि जब मसीह यसु को जब पकड़ लिया गया, मसीह यसु को जब उसको तो पता था, उसको तो बाप की तरफ से ये कहकर भेजा गया था, वो तो तैयार था इस बात के लिए कि उसने कुर्बान होना है, लेकिन फिर भी उसने दुआ की कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो तो हमारा खुदा यीशु मसीह तो पाक था, उसके तो मुंह से अगर कुछ भी निकल जाता तो वो हो जाता, तो लेकिन आप ये देखिए कि इतना जुल्म इतना जबर सहने के बावजूद भी उसने किसी के लिए कर्ज नहीं किया, क्योंकि वो जानता था वो क्या है, वो जानता था कि वो अपने अंदर कौन सी कुदरत रखता है, और उसने यहूदियों को जो जिन्होंने उसको कोड़े मारे, जिन्होंने उसको, हम कल अभी फिल्म देख रहे थे तो आई वॉज लिटरली क्राइंग के किस तरह से उन्होंने वो कोड़े मारते हैं, उसके साथ छुरियां लगी होती हैं, जब मारते हैं तो उसकी स्किन में घुस जाती हैं वो छुरियां, फिर वो खींचते हैं घुसने के बाद, और खून से लथपथ, और सही वो गीत किसी ने लिखा छलनी छलनी हो गया, और वो कोड़े खा के इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसने साबित कदमी से काम लिया, उसने उनको कर्ज नहीं किया, क्योंकि वो जानता था अगर मैंने इनको कुछ कह दिया तो ये तो कहीं के नहीं रहेंगे, मगर बावजूद इसके भी यहूदियों ने खुद को अपने लिए क्या कर दिया। हम इसके लिए एक हवाला देखेंगे मत्ती की अंजील में से, मत्ती की अंजील उसका है 27 बाप और उसकी 24 और 25 आयत, यू लिखा है, जब पिलातस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा हुआ जाता है तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब दिया, सुनिएगा जरा, इसराइलियों ने अपने लिए क्या प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी कर ली। सब लोगों ने जवाब दिया और कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दनों पर। और ये देखें उन्होंने अपने लिए क्या कर लिया, उन्होंने अपने लिए अपनी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए किस तरह की लानत ले ली, और जिसने उसको पकड़वाया था उसके बारे में बाइबल बोलती है कि बेहतर था कि ये पैदा ही ना होता, और जिन्होंने उसको मरवा दिया, उसको पकड़वा दिया, वो उसको मरवाने के लिए अपने लिए क्या उन्होंने लानत खुद ही सादर कर ली। फिर देख लें आप 70 AD
पहली सदी से 70 AD से लेके 1947 तक 9 सदियां तितर बितर रहे इसराइल तितर बितर रहा, मगर इस तितर बितर होने के बावजूद भी वो खुदा का वादा जो इब्राहिम के साथ था, वो खुदा का वादा जो याकूब के साथ था, खुदा उस वादे के लिए उन सेवनफोल्ड ब्लेसिंग के लिए मजबूर था, और खुदा ने उनको 1947 में या 1948 में फिर से एक जगह इकट्ठा किया और खुदा ने उनको बरकत दी। अभी 2 कबीले आ चुके हैं उधर, 10 और आएंगे आने वाले दिनों में, खुदा करेगा कि और एक्सपेंड होंगे। जिस तरह हम ईमान रखते हैं कि बाइबल के हवाले से जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये आगे चीजें डेवलप होती हैं। और इन चीजों के जिस तरह से ये चीजें दुनिया में डेवलप होती हैं, इससे दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो सब कुछ है, दोबारा से उनका बहाल होना और उनको इतनी देर उनका पूरी दुनिया में तितर बितर रहना, बरकतों से महरूम रहना, ये वो कर्ज थे, ये वही बरकतें थी जो खुदा ने याकूब को दी थी, और ये वो कर्ज था जिसकी वजह से वो तितर बितर रहे, जो उन्होंने खुद अपने लिए बोल दिया। यहाँ पे मैं एक और भी मिसाल देना चाहूंगा, एक शख्स की, एक शादीशुदा बंदे की जिसको मैं जानता हूँ, नाम नहीं उसका मैं लेना चाहता। शादी से पहले वो बड़ा खुशहाल था, बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था और सब कुछ बड़ा बेहतरीन हो रहा था, मगर पता नहीं क्या हुआ, खुदा ने उसको इस तरह की बीवी दी के बस उसके बाद फिर वो बंदा, उसकी बीवी ने उसके लिए इतना अपने मुंह से बोला, इतना अपने मुंह से बोल दिया और बुरे लफ्ज बोल दिए कि वो बंदा जो है वो पता नहीं अब उसका, खुदा ही उसको बचाए, क्योंकि जितना उसके लिए कर्ज बोल दिया गया है, खुदा करे कि वो सारा कर्ज कैंसिल हो जाए और वो जान जाए, वो खुदा को जान जाए कि वो किस तरह से इन चीजों को कैंसिल कर सकता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप दो टमाटर ले लें, उन दोनों को सेम इन्वायरमेंट में रखें, सेम टेम्परेचर पे रखें, सेम साफ जगह पे रखें, और एक को देख के बोले गॉड ब्लेस यू, रोज बोले गॉड ब्लेस यू, और दूसरे को देख के उस पर लानते करें, उस पर कर्ज करें, या दो पानी के ग्लास ले लें, आप दोनों को सेम जगह पे रख लें, जो आपका दिल के दोनों में से एक चीज ले लें, आप तजर्बा करें कि आपके मुंह से सादर हुआ कलाम कितनी पावर रखता है। और हम जो मसीह हैं, जो हम जो पैदा ही होते हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर है, हम अपने अंदर बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग रखते हैं, क्योंकि हम खुदावन ने हमें अपनी शबीह पे बनाया और हम उसकी कुदरत रखते हैं, खुदावन की कुदरत हम रखते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने से कुछ ही कम रखा है, क्योंकि जो जो इंसानी दिमाग है वो उसका IQ लेवल 14 से 16% है, अगर वो जीनियस है तो नॉर्मली 11-12 IQ लेवल के लोग, आम जो मेरी और आपकी तरह के लोग हैं, 11 या 12 उनका IQ लेवल होता है, जो बहुत जीनियस होते हैं, जो साइंटिस्ट टाइप के किस्म के लोग होते हैं उनका 13 या 14 होता है। तो अगर खुदा हमें ये हमारे दिमाग को जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा IQ लेवल अगर इसको बढ़ा दे, फिर हम देखें हम क्या नहीं कर सकते। अभी भी खुदा ने हमारे अंदर वो चीज़ डाली है कि हम सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम से, उसके नाम के बगैर नहीं। तो आप ये तजर्बा जरूर करिएगा, आप लें इसको टमाटर को, 2 टमाटर सेम कंडीशन के लें, एक को कर्ज करें, एक को ब्लेस करें, आप देखिएगा जिसको आप कर्ज करेंगे कुछ दिन के बाद वो पिलपिला हो जाएगा, नरम हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, लेकिन जिसको आप ब्लेस करेंगे वो ब्लेस ही रहेगा। और इसी तरह से हम ब्लेसिंग के हवाले से अगर हम देखें कि अगर हम इन कर्ज के अंदर आ जाते हैं तो फिर इनको कैंसिल हम किस तरह से, चले जी सोच लिया कि हमारे ऊपर किसी ने बोल दी लानत, या हमें कोई नस्ली कर्ज हमारे साथ चलता आ रहा है जिसका हमें पता भी नहीं है, अगर हम उसका बारीकी से अगर जायजा लें, अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेशन करें तो हम जरूर देख सकते हैं, चाहे वो 500 साल पुराना कर्ज है, हम जरूर देख सकते हैं कि वो कहाँ से, उसकी बेस जो है, उसकी बुनियाद कहाँ से है। लेकिन बावजूद इसके भी अगर ये चीजें हैं आपके साथ, तो आपने इनको कैंसिल करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए क्या करना है, इसके लिए हम देखते हैं स्तिशना 28 बाब उसकी पहली 4 आयत।
स्टेशन पहली चार जी। इसमें फरमा बरदारी की बरकतों के हवाले से बताया गया है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान शानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करें, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। आमीन आमीन। देखें खुदावंद की एक जो उसका कलाम है उस पे अमल करने से क्या होता है, और अगर अमल नहीं किया जाए तो क्या होता है। जिस तरह खुदा, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, आपसे खुदा के कलाम में से बात की कि आपसे आपके मुंह से निकली हुई बातें क्या क्या कर सकती हैं। आप अपने बच्चों के लिए जब बुरे अल्फाज बोलते हैं तो आपके अंदर एक एनॉइंटिंग है, चाहे आप रास्तबाज हैं या नहीं है, आप सिर्फ आपका मसीह होना ही काफी है, क्योंकि आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसको खुदा ने आज से हजारों साल पहले, आज देखें आज साइंटिफिकली चीजें प्रूव हो रही हैं कि ये साउंड एनर्जी अपने अंदर पावर रखती है, और ये चीजें इल्हाम की किताब में 4000 साल पहले लिखी गई हैं कि तेरे मुंह का कलाम जिंदगी भी है और मौत भी है। अगर तू अपने मुंह से किसी को कर्ज करेगा तो तू उस पर लानत करता है, और अगर तू किसी को बरकत देगा तो तू उसकी वजह से, तेरी बरकत देने की वजह से उसकी नस्लें भी आगे से बरकत पाएंगी। तो हम इसी बात को अगर आगे पढ़ते रहते हैं तो इसमें बड़ी खौफनाक चीजें हैं। और आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बुखार की प्रॉब्लम है, और आई डोंट नो बहुत सारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मुझे तो उनके सबके नाम नहीं आते, लेकिन अगर आप सुकून से बैठ के इनको गूगल पर ट्रांसलेशन करके देखें जो इधर उर्दू में जिन बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आजकल चल रही हैं बीमारियां, ये सारा सभी बीमारियों का जिक्र है इसमें। और 22 आयत में देखेंगे तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 22 आयत में ये बड़ी खौफनाक चीज है, लिखा हुआ है खुदावन तुझको तब तक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गिरोई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक के तू फना ना हो जब तक के तू फना ना हो जाए, जब तक तू मर ना जाए। अगर खुदा ने लानत की, खुदा के मुंह से निकली हुई लानत अगर आप पे पड़ेगी तो फिर वो जब तक फना नहीं हो जाओगे तब तक पीछा करती रहेगी। इसका मतलब क्या कि जिंदगी खत्म। तो बेहतर यही है कि उसके कलाम को मानो, पहली आयत में जिस तरह इसी बाब की पहली आयत में लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मानकर उसके उन हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से, एहतियात से क्या लिखा है, एहतियात से मतलब कि जिस तरह आप अपने ज़हन में वो बात, पहले हमने पढ़ा है ज़हन में बच्चों ने वो बात बनाई तो खुदा ने उनको क्या बोला कि ये कर्ज के अंदर है। कलाम इलाही हमें क्या कहता है, ये कर्ज के अंदर है। तो हमें हमें अजीजों सोचना चाहिए, अगर अगर हम देखते हैं अगर हमारी जिंदगी मुश्किलों में है, गरीबी में है, या दायमी बीमारियों में है, या दायमी गरीबी में है, तो हमें देखना है कि हम इनको किस तरह से हम इसमें से निकलेंगे। अगर हम इस तरह की किसी परेशानी में हैं, अगर हम में से कोई जो आज इस प्लेटफॉर्म पे कलाम सुन रहा है अगर कोई इस तरह की किसी प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए उसको जान फिशानी के साथ एहतियात के साथ खुदावंत के उन हुक्मों पर अमल करना चाहिए जिनका शरीयत में हमें इस्तिश्ना की किताब में जिस तरह हमें, मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन आप सब जानते हैं कि शरीयत में हमें क्या लिखा है। खुदा यूसुफ ने कहा कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं आया, मैं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। तो हमें उस जो शरीयत के कवानीन हैं, हमें उनकी पासदारी करनी चाहिए, हमें उनपे अमल करना चाहिए, और जब आप उनपे अमल करेंगे तो फिर इस तरह की जो लानते हैं वो आपका पीछा नहीं करेंगी। और अगर कोई इस तरह की लानत में आप घिरे हुए हैं तो आज हम देखते हैं कि आज हमने उनको खत्म कैसे करना। आप जिस तरह से खुदा यसुम जी ने कहा है कि अपनी बीमारी से बात करो, अपनी लानतों से बात करो, तो आप अपनी लानतों को डांटें, अपनी लानतों को बोलें, अपनी गरीबी को बोलें कि यसुमसी नासी के नाम से तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती, तो वो गरीबी वो बीमारी आपको छोड़ेगी। जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे, जब तक आप इन लानतों को कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये लानतें आपके साथ चलती जाएंगी। वो चलती क्यों जाएंगी,
क्योंकि वो आपके साथ यहाँ तो किसी किसी और की बोली हुई है, यहाँ जाने जाने में आपने खुद अपने पे वो थोपी हुई है, यहाँ आपके साथ वो नस्ली तौर पे चल रही है। तो हमने आज सीखा ये कि हमने उनको किस तरह से हमने उनका तयुन करना है, हमने उनको किस तरह से उनकी निशानदेही करनी है और किस तरह से हमने उनको कैंसिल करना है। अगर आप मसीह यीशु के सामने झुकेंगे, उससे माफी मांगेंगे, खुदा बाप से, खुदावंद मेरे गुनाहों को यीशु मसीह के नाम से उसके वसीला से तू मुझे माफ कर, तू मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा दे, तू मुझे बरकत दे, तो यकीनन यकीनन वो चाहे दायमी है, वो चाहे नस्ली है, चाहे वो स्पोकन बाय अदर्स, चाहे वो सेल्फ स्पोकन है, किसी भी किस्म का कर्ज है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अवर गॉड इज गुड गॉड, हमारा खुदा ला तब्दील है और उसके वादे जो अटल है, उसका कलाम जो एक दफा उसने बोल दिया वो ला तब्दील है, और उसका कहना है कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। पर मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम से हमने बहुत कुछ सीखा। मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत सारी जिंदगियों में ये कलाम बहुत सारा फल लेके आएगा, और खुदावन यीशु मसीह हम सबको इस कलाम के भी वसीला से बहाल करे। मेरी दुआ है ये कलाम आप सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। आमीन, दुआ करते हैं।